थ्री एक एडजेक्टिव है वन एडजेक्टिव है है कि नहीं कैसे है एड्जेक्टिव वन मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी राइट और न्यूमरल सो लेकिन थ्री जो शब्द है वो एडजेक्टिव है लेकिन थ्री सम भी एडजेक्टिव थ्री सम मतलब क्या होता तीन लोग थ्री फोल्ड यानी क्या होता है थ्री फोल्ड यानी तीन गुना देर वॉज थ्री फोल्ड प्रॉफिट इन माई इनकम दिस ईयर देर वॉज थ्री फोल्ड प्रॉफिट इन माई इनकम दिस ईयर थ्री फोल्ड यानि तीन गुना अब देखिए कैसे तीन गुना तीन स्वयं में एक विशेषण है उससे हमने एक और विशेषण बनाया जो हो गया तीन गुना ब्लैक ब्लैक यानी काला विशेषण रंग बता रहा है काला रंग और ब्लैक से कैसे बनता है ब्लैकिश ई आर यू लुकिंग ब्लैकेश टूडे तुम आज काला काला कैसे दिख रहे हो ब्लैकिश ग्रीनिश वाइटिश ग्रेश तो आई एस एस लगा के एडजेक्टिव कलर्स को हम एडजेक्टिव बना सकते हैं राइट तो ब्लैक से ब्लैकिश ओके नेक्स्ट इज वाइट से व्हाइटिश जैसा मैंने होता है so in this way we have learned how some words which are adjectives can be converted into another ne adjectives this is how the conversion takes place but mind you i would again say there are no laws there are no straight cut rules for it it comes with practice it comes with applying common sense and that common sense will come when you practice it राइट लेट अस प्रैक्टिस फ्यू वर्ड्स चलिए अब हम कुछ अभ्यास करें इसी को लेकर और इस अभ्यास के माध्यम से कोशिश ये है कि यू शुड हैव बेटर ग्रिप ओवर एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज द डैश प्राइज वॉज वन बाय ए हिंदू द डैश प्राइज वॉज वन बाय ए बॉय डैश प्राइज क्या आएगा जो डैश में क्या वॉट इज द वर्ड दैट यू विल फिल फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज थर्ड प्राइज और बेस्ट प्राइज वेरी क्लियर तो बेस्ट और फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है दे आर ऑल एडजेक्टिव यू हैव टू फिल अप दीज वर्ड यू हैव टू हैसेस विद एडजेक्टिव वर्ड द नेक्स्ट इज दिस इज ए वेरी डैश मैटर मैटर यानी क्या है यहाँ पे मैटर यानी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है फिजिक्स में भी पढ़ा है मैटर यानी पदार्थ यहां पे पदार्थ नहीं है मैटर का दूसरा अर्थ होता है मामला मुद्दा मामला या मुद्दा दिस इज ए डैश मैटर क्या बनेगा ये डैश मामला है सीरियस मामला है तो द वर्ड इज दिस मैटर is दिस इज ए सीरियस मैटर एक गहरा मामला है सीरियस मामला है नेक्स्ट इज इट इज ए वाइट लाई लाई के पहले ब्लैंक है तो क्या होगा इट इज ए वाइट सफेद झूठ है क्या झूठ का रंग होता है तो सफेद झूठ का क्या मतलब हुआ सफेद झूठ सरासर झूठ जिसमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं करने की बात हो उसको कहते हैं वाइट लाई इट इज एब्सोल्यूटली ए वाइट लाई सरासर झूठ व्हाइट क्या हुआ व्हाइट एडजेक्टिव हुआ तो आपको यहां पे एडजेक्टिव भरे और झूठ के लिए एडजेक्टिव सिमिलरली यू हैव इट बोथ वेज क्या भरेंगे ये एक स्टैंडर्ड वाक्य है जो जब तक तो इसका उपयोग होता है तुम सब कुछ नहीं पा सकते यार अपन बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग तुम सब कुछ नहीं पा सकते तुम ये भी चाहो ये भी चाहो ये सब कुछ संभव नहीं बताओ क्या चाहिए तुमको केक रखना भी है और केक खाना भी है दोनों संभव नहीं है यू कैनॉट हैव केक एंड ईट इट टू उसको दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे यू cannot हैव इट बोथ वेज बोथ दोनों तरीके से नहीं हो सकता तो बोथ इज एन एडजेक्टिव और कौन सा एडजेक्टिव है बताइए क्या यह गुणात्मक होगा या इंटरागेटिव है इट इज एन एडजेक्टिव जो मैंने आपको बताया बाद में प्रत्येक निश्चित करने के लिए जो एडजेक्टिव होता है डेमोन्स्ट्रेटिव वे दो ही रास्ते हैं तुम ये रास्ता भी अपने पकड़ो ये दो कार्य हैं तुम दोनों कार रखना चाहते हो यू एनी स्ट्रांग रीजन टू गिव क्या तुम्हारे पास कोई मजबूत कारण है बताने का गिव मने देना नहीं बताना गिव मने देना नहीं बताना व यू एनी स्ट्रोंग रीजन टू गिव आज हम बंबई नहीं जा पा रहे हैं क्या कुछ तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग कारण है आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो बहुत बार आप लोग स्कूल नहीं जाना है बोलते हो तो इफ योर पेरेंट आस्क देन योर पेरेंट विल से हैव यू एनी स्ट्रग रीजन टू गिव क्या तुम्हारे पास कोई मजबूत कारण है न जाने का तो so, वहां क्या एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग इज एडजेक्टिव वर्ट इज एडजेक्टिव इज स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट वर्ड आई हैव नो इनफ कैश आई हैव नो इनफ कैश मेरे पास इनफ मनी पर्याप्त ये एडजेक्टिव है कौन सा एडजेक्टिव है आप ये पता लगाइए जो टाइप्स ऑफ एड्जेक्टिव हमने पढ़े पांच छह टाइप्स के उसमें किस में आएगा ये आप देखिए आई हैव नो इनफ कैश ही स्टैंड फाइव फीट इन हिज स्टॉकिंग्स ही स्टैंड फाइव फीट इन हिज स्टॉकिंग्स स्टॉकिंग्स मतलब जूता मोजा जब जूता मोजा पहनता है तो वो पाँच फीट का होता है ही स्टैंड फाइव फीट मतलब वो पाँच फीट का ही स्टैंड फाइव फ़ीट विथ स्टॉकिंग मतलब जूता मोजा पहन के पाँच फीट इसका मतलब बिना जूते मोजे के उसकी हाइट और ज़्यादा होगी कि कम होगी कम होगी सो ही स्टैंड फाइव फीट तो फाइव क्या है काउंटेबल एडजेक्टिव है काउंटेबल एडजेक्टिव तो क्वान्टिटी में न्यूमरल The adjective of numeral. Am I right? So, this is how we have few examples of uh, adjectives, and I think that's enough. There's no end to it. Jitne noun has adjective ban jayenge. Few more examples we do, and that is how to convert. Let us see how some of these words, some of these nouns can be converted into adjective. हमने कुछ नाउन को कन्वर्ट किया था यहां कुछ और उदाहरण हम देते हैं बल्कि उदाहरण के बदले आई वुड लाइक कि आई नोट डाउन हि और आप उसको लिखें दे आर वेरी यूजफुल वर्ड लव इज वन सेकेंड इज नीड थर्ड इज ग्रीन फोर्थ रूम फिफ्थ इज कॉस्ट सिक्स इज पेन ये सबके अर्थ आपको मालूम है सेवेंथ इज पीस एट इज चाइल्ड चाइल्ड का मैंने बताया आपको इफ यू रिमेंबर चाइल्ड एंड चाइल्ड लाइक चाइल्ड इज लेकिन फिर भी यहां पर रिविजन के लिए चाइल्ड नाइन्थ इज नाइन्थ यू कैन टेक अ पिक्चर पिक्चर टेंथ इज उड डब्ल्यू डबल ओ डी एंड इलेवेंथ इज स्लेव ट्वेल्थ इज सेंस एंड लास्ट यू कैन हैव होप एंड फ्रेंड और दीज फोर्टीन वर्ड्स वट आर दे नोट दे आर ऑल नाउन्स ये सब क्या है नाउन है और नाउन को देखिए एक एक करके क्या बनता है पहले बनाने की कोशिश करिए स्वयं और उसके बाद इसके उत्तर देखिए कि आप कितने सही निकले राइट इसके उत्तर आगे कहीं पर यदि होंगे तो आप देख सकते हैं बट अदरवाइज आई वुड लाइक दैट यू वर्क हार्ड ऑन दिस एंड फाइंड आउट दंसर यू सेल्फ ना नेक्स्ट एक्सरसाइज इज विशेषण से आपको मैंने बताया था विशेषण से कुछ एग्जाम्पल बताए यहां कुछ और एग्जाम्पल है वी जस्ट डू वन और टू ऑफ देम स्विमिंग इज ए डैश एक्सरसाइज स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज राइट स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज अब यहां पे विशेषण से बनाया जा रहा है ए सॉफ्ट आंसर आई मीन हाउ टू कन्वर्ट विशेषण को वाक्य में कैसे हम उपयोग करें हाउ टू मेक एडजेक्टिव इन टू ए सेंटर स्विमिंग इज ए हेल्थी एक्सरसाइज हेल्थी मतलब स्वास्थ्यवर्धक हेल्थी मतलब स्वास्थ्यवर्धक मेक्स ए मैन

सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सोना तो वेल्थी वेल्थ गुड हेल्थी एक्सरसाइज स्विमिंग इज हेल्थी लेट अस टेक अप टेन वर्ड्स हियर फॉर यू टू डू इट हैप्पी ये एडजेक्टिव हैं एडजेक्टिव से आपको बनाना है हैप्पी सैड बिग स्मॉल हार्ड पोलाइट रूड Wise, rich, poor, and young. Right? You have to use these adjectives into a sentence. And when you use them into a sentence, remember all these adjectives must have a noun with it. Okay? Next exercise. Again, for example, a ए डैश सिटी रायपुर इज ए डैश सिटी मतलब क्या हुआ क्या भर सकते हैं बिग सिटी स्मॉल सिटी ब्यूटीफुल सिटी क्लीन सिटी डर्टी सिटी क्लीनेस्ट सिटी पॉपुलटेड सिटी पॉपुलटेड पॉपुलस पॉपुलटेड मतलब भरा हुआ व्यक्तियों से भरा हुआ शहर है इसका मतलब बहुत लोग रह रहे हैं और पास पास रह रहे हैं जब दो अर्थ हो तब हम बोलते हैं पॉपुलेटेड पॉपुलर सिटी भरा हुआ घनत्व जहाँ पे आदमियों का ज़्यादा हो तब हम कहते हैं ऐसे ही डिवोटेड मतलब क्या टू डिवोट ये देखिए क्रिया से कैसे बन रहा है टू डिवोट मतलब क्या होता है यू मस्ट डिवोट एटलीस्ट टेन आवर्स

उससे बनाइए एडवाइस से बनाइए ब्लो इज अनदर वर्ब उससे बनाइए वाटर इज अनदर वर्ड मेक एडजेक्टिव आउट ऑफ इट सर्वेंट इज अनदर वर्ड मेक एडजेक्टिव आउट इट इट एंड लास्ट इज वॉइस वी ओ आई सी ई वॉइस यानी आवाज उससे आपको एडजेक्टिव बनाना है राइट सो देर आर फ्यू एक्सरसाइज हियर which we are given to you. Now, little more. These exercises are of different kinds. I am not repeating the same type of exercise. If under each exercise, 10 words are given, and if you have done these 10 words, be sure you have mastered adjectives. यदि आपने हर एक्सरसाइज के जो 10-10 दस दस शब्द दिए हैं, उनको थोड़ा समझ लिया, तो मान लीजिए कि आपने विशेषण पर विशेषण में पारंगत हासिल कर ली है पारंगतता हासिल कर ली है यू हैव बिकम ए मास्टर ऑफ एडजेक्टिव सो वी हैव टू मोर एक्सरसाइज वन स्मॉल इज अगेन निम्नलिखित प्रत्येक संज्ञाओं के साथ अधिक से अधिक उचित विशेषणों का प्रयोग करो प्रत्येक संज्ञाओं के साथ अधिक से अधिक उचित विशेषण का प्रयोग करें फॉर एग्जाम्पल ए स्ट्रीट नैरो स्ट्रीट प्रत्येक संज्ञा स्ट्रीट संज्ञा है अधिक से अधिक विशेषण कैसे अब देखिए जैसे मैंने अभी अभी आपको उदाहरण दिया सिटी को लेकर एक संज्ञा है सिटी और इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव मैंने भरे बिग सिटी स्मार्ट सिटी पॉपुलर सिटी डर्टी सिटी क्लीन सिटी तो ऐसे यहाँ पर नैरो स्ट्रीट अब स्ट्रीट को लेकर क्या क्या भर सकते हैं नैरो स्ट्रीट ब्रॉड स्ट्रीट वाइड स्ट्रीट प्लेन स्ट्रीट क्लीन स्ट्रीट सीमेंट स्ट्रीट और क्या क्या भर सकते हुँ? और क्रुकेड स्ट्रीट मतलब क्या होता है क्रुकेड स्ट्रीट टेढ़ी मेढ़ी ऐसा 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 जो सड़क जाती है क्रुकेड सीधी सड़क नहीं है क्रुकेड रास्ता तो ऐसे आप कुछ और शब्द देखें मैं आपको देता हूँ उदाहरण के लिए लाई लाई के साथ क्या क्या लाई मैंने झूठ बोलना उसमें क्या क्या शब्द आएंगे कम से कम तीन एडजेक्टिव उसमें आ सकते हैं खोजिए लाई टू लाई मैंने झूठ बोलना और अगला है ऐसे आप ले लीजिए मैन कैसा मैन कितने एडजेक्टिव मैन के साथ आप डाल सकते हैं थिंक ऑफ इट फिलअप हेल्थ स्वास्थ्य कितने एडजेक्टिव आप स्वास्थ्य के साथ डाल सकते हैं Philip. Progress. How many adjectives you can use for the word progress? Next is honest, H O N E S T honest. How many words you can use honest? I can give you a few words for example, but well, you do it yourself. Careful, strong, and last is soft. These are the words. जो आपको क्या करेंगे इसका आपको ऑपोजिट में मीनिंग निकालना है सॉफ्ट का हार्ड ये क्या है इनके ऑपोजिट में मीनिंग निकालना सिमिलरली फ्रेंडली इसका ऑपोजिट क्या होगा ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या है सिविलाइज का ऑपोजिट क्या है स्ट्रांग का ऑपोजिट क्या है करेजियस का ऑपोजिट क्या है हॉट का ऑपोजिट क्या है तो Opposite in meaning. Name ke Opposite in meaning. Nikalo. This is the practice that we do. So we have done the practice part of uh, practice part of this uh, uh, exercise or practice part of adjectives. Now we go to the altogether new point. After having understood adjectives and few steps on that. विशेषणों की तुलना तुलना कैसे होती है और तुलना का क्या अर्थ है विशेषण में तुलना का अर्थ क्या है विशेषण में भी तुलना करना विशेषण के भी अलग अलग स्तर होते हैं विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन कंपैरिजन, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। हमें से बहुत लोगों ने सुना है और कहा है कि तुम्हारा पेन अच्छा है लेकिन मेरा बेहतर है कहा है ना वो सिनेमा अच्छा है लेकिन ये वाला सिनेमा बेहतर है और यार वो वाला सिनेमा तो बेस्ट है बोलते हैं हम लोग तो अच्छा बेहतर और बेस्ट और बेस्ट मतलब हिंदी में क्या होता है सर्वश्रेष्ठ तो अच्छा बेहतर और सर्वश्रेष्ठ ये तीन अलग अलग स्तर हैं पिक्चर अच्छी है लेकिन वो उससे बेहतर है और ये तो सबसे अच्छी है तो अच्छी बेहतर और सबसे अच्छी अच्छा क्या है अच्छी एडजेक्टिव है बेहतर क्या है वो भी एडजेक्टिव है और सबसे अच्छी तो एडजेक्टिव है ही विशेषण तो है ही है लेकिन ये विशेषण जो है ये अलग अलग डिग्री बताते हैं अलग अलग स्तर बताते हैं एक पहले में कहता है अच्छा है भाई मतलब स्वयं में वो पिक्चर अच्छी है लेकिन दूसरी उससे बेहतर है और तीसरी तो सबसे अच्छी तो तीनों अलग अलग स्तर बताते हैं दूसरे शब्दों में विशेषण के तीन स्तर होते हैं कितने स्तर तीन स्तर हम यदि एक और उदाहरण ले हिंदी में पहले तुम बहुत कंजूस हो वो उससे ज्यादा कंजूस है और तीसरा वो तो सबसे ज्यादा कंजूस है तुम बहुत कंजूस हो वह उससे ज्यादा कंजूस है और जो तीसरा व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा कंजूस है ये तीन स्तर हुआ इसके बाद कोई सा चौथा स्तर आपके ख्याल में आता है सबसे ज्यादा जो कंजूस है उसके बाद कोई सा और स्तर तो होगा नहीं एक और उदाहरण लो कुतुब मीनार ऊंचा है बहुत ऊंचा है पेरिस का इफिल टावर उससे भी ऊंचा है पेरिस का इफिल टावर उससे भी ऊंचा है लेकिन ये चीज तीसरी जो चीज़ है वो सबसे ऊंची है यही तो बोलेंगे या हम बोलें इफिल टावर से भी ऊंचा एक और है तो हम यही कहेंगे इफिल टावर से भी ऊंचा तो हमको नाम लेना पड़ेगा कि इफ़िल टावर से भी ऊंचा ये है लेकिन सबसे ऊंचा तो वो है मूर्तियों की यदि बात करें तो सरदार पटेल का स्टैचू जो गुजरात में बना है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है इनकी ऊंचाई की हम तुलना करते हैं क्या करते हैं तुलना और तुलना करने के लिए जो शब्द होता है वो तुलनात्मक शब्द वो एडजेक्टिव ही होता है तो नंबर वन तुलना करना एडजेक्टिव में तुलना होती है नंबर दो ये तुलना केवल तीन श्रेणी में होती है अच्छा उससे अच्छा या अच्छा फिर बेहतर और सर्वश्रेष्ठ अच्छा बेहतर सबसे अच्छा यही तीन श्रेणी होती अब हम थोड़ा सीखेंगे एक और उदाहरण देखते हैं चलिए रामाज मैंगो इज स्वीट रामाज मैंगो इज स्वीट अब अंग्रेजी में हम देख रहे हैं हरी इज मैंगो इज उसका मैंगो जो है वो राम के मैंगो से ज़्यादा मीठा है क्या बोलेंगे हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम और माय मैंगोज आर द स्वीटेस्ट माय मैंगोज आर द स्वीटेस्ट तीन श्रेणी हुई स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट स्वीट वो विशेषण बताता है विशेषण ये बताता है कि आम मीठा है लेकिन ये नहीं बताता कि वो कितना मीठा है बताता है क्या राम्स मैंगोज इज स्वीट योर बिहेवियर इज गुड ये बताता है कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा है ये बताता है कि आम राम का आम मीठा है लेकिन कितना मीठा व्यवहार कितना अच्छा ये तो नहीं बताता ऐसे ही दूसरे वाक्य में क्या है स्वीटर बताता है कि इसका आम उससे ज्यादा मीठा है मीठा है और राम से ज्यादा मीठा है बिल्कुल सही हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स उससे ज्यादा मीठा है लेकिन तीसरा वाक्य क्या है वो कहता है कि भाई सबसे ज्यादा मीठा है पहले वाक्य में मीठा है लेकिन कितना मीठा नहीं तीसरे वाक्य में मीठा है सबसे ज्यादा मीठा है तो ये जो तीन वाक्य से हम देखते हैं कि तुलना करते हैं और तुलना करते समय स्वीट क्या हो गया स्वीट यानी मीठा स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट इस प्रकार अंग्रेजी में तुलना की तीन अवस्था है डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलना मतलब क्या होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू कंपेयर मतलब तुलना करना तो तुलनात्मक विशेषण अध्ययन विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन ये यहाँ पर हमारा विषय है और ये आप समझ गए कि एक विशेषण के तीन स्टेज होते हैं तीन डिग्री होती और तीनों डिग्री में पहली डिग्री को हम कहते हैं मूल अवस्था यानि स्वीट मूल वो उसका फल मीठा है ये आम ऊंच ये ये टेबल ऊंची है ये मकान सुंदर है यानि ये बताता है कि मकान सुंदर है पर कितना सुंदर ये बताता है क्या नहीं तो ऐसे जो पहला वाला है सुंदर यानी ब्यूटीफुल उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या कहते हैं पहले वाले को पॉजिटिव डिग्री यानी मूलावस्था मूल अवस्था दूसरा वाला क्या कहलाएगा दूसरी दूसरा जो स्टेज है या दूसरी जो डिग्री है उसको हम कहते हैं विशेषण उत्तरावस्था क्या बोलते हैं उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री क्योंकि उसमें तुलना होती है बेहतर है तो किससे राम से सुंदर है मकान किस से उसके मकान से सुंदर है एक तुलना होती है उसमें यह मकान बेहतर है तो सवाल आएगा किससे बेहतर है भाई यानी किसी चीज़ से तुलना हो रही है तो ऐसी स्थिति में दूसरा वाला जो स्टेज है या दूसरी वाली जो डिग्री है वो कहलाती कंपैरेटिव डिग्री क्योंकि दूसरी डिग्री में हम कंपेयर कर रहे हैं किस से पहली डिग्री से दूसरी डिग्री में हम तुलना कर रहे हैं किस से पहली डिग्री से तो वो हो गया कम्पेरेटिव डिग्री अब तीसरी जो है वो उत्तमावस्था उत्तम उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ और उत्तमावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री तीन डिग्रियां हैं हिंदी में यदि हम पढ़ें तो मूलावस्था दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री कंपेरिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री राइट तो so, कम पॉजिटिव डिग्री में बिल्कुल साधारण शब्द और हम जिसमें कहते हैं केवल गुण बताते हैं कि मीठा है खट्टा है खराब है ऊंचा है बुरा है छोटा है बड़ा है अंधा है बहरा है ये गुण बताते हैं बस कोई तुलना नहीं कर रहा ये होता है सबसे पहले वाले स्तर में साधारण लेकिन दूसरे में क्या होता है तुलना हो जाती है दूसरी डिग्री में पॉजिटिव से हम तुलना करते हैं और ये बताते हैं कि पॉजिटिव से ऊंचा है वो यदि पॉजिटिव शब्द है बैड तो कंपैरिजन करेंगे तो उससे खराब ऐसा बोला जाएगा ना कि ये उससे खराब है ये खराब है ये आम खराब है ये आम उससे खराब है किससे जो बैड था उससे खराब है तो हम उससे तुलना कर दिए तो ये कहलाएगा तुलनात्मक यह कहलाएगा तुल कहला कंपैरेटिव, तो उसमें केवल गुण ही नहीं बताते बल्कि गुण बताते हुए एक से तुलना कर बैठते हैं और उस तुलना में वो हायर डिग्री का हो जाता है हायर डिग्री ऊंची डिग्री हायर ठीक अब लास्ट है जो हम बात किए हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव की तुलना में अधिक मात्रा होती है हायर होता है ये तो मैंने बताया और इसका प्रयोग तब होता है जब दो चीज़ों की एक जैसी चीज की तुलना हो यानी कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है नंबर वन पॉजिटिव से हायर रहता है नंबर टू पॉजिटिव से तुलना होती है नंबर थ्री तुलना करते समय एक ही जैसी चीज की तुलना हो सकती है मैंगो की तुलना लेमन से हो सकती है क्या नहीं हो सकती कार की तुलना साइकिल से हो सकती है क्या नहीं हो सकती कार की तुलना एक तरह के कार की तुलना दूसरे तरह के कार से हो जाएगी एक तरह के मैंगो की तुलना दूसरी तरह के मैंगो से हो जाएगी पर कार की तुलना मैंगो से और आई मीन कार की तुलना साइकिल से और मैंगो की तुलना लेमन से नहीं होगी ये गलत है तो तुलना समान वस्तु की हो ये ज़रूरी है और अगली कंडीशन दो वस्तुएं हों कम से कम तभी तो तुलना होगी ना सो दिस इज़ व्हाट इज़ द थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन दिस बॉय इज स्ट्रॉगर देन दैट बॉय दैट बॉय उस लड़के की तुलना में ज्यादा विच ऑफ दी टू पेन्स इज बेटर विच ऑफ दी टू पेन्स इज बेटर इन दोनों में कौन सा पेन बेहतर है एप्पल्स आर dearer देन ऑरेंजेस डियर मतलब क्या होता है महंगा एक लाइन आप समझ लीजिए माई डियर डियर इज वेरी डियर मतलब मेरा प्यारा हिरण बहुत महंगा है पहला डियर का अर्थ हुआ प्यारा दूसरे डियर का अर्थ हुआ हिरण और तीसरे डियर का अर्थ है महंगा तीनों की स्पेलिंग देख लीजिए बीच वाले की स्पेलिंग डी डबल ई आर आर यानी हिरण है पर उच्चारण सबका एक है तो यहाँ आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ द एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस एप्पल जो हैं वो ऑरेंज से ज़्यादा महंगे हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या है सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा है जो सर्वाधिक श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति और इसका उपयोग तब होता है जब दो से ज़्यादा वस्तु या पूरे समुदाय से तुलना करें द बॉय इज द स्ट्रांगेस्ट द एपल्स आर द स्वीटेस्ट द स्टैचू इज द टॉलेस्ट द कार इज द फास्टेस्ट द बी एम डब्ल्यू कार इज द फास्टेस्ट द फास्ट फास्टर फास्टेस्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट Right? So we, can, we have these three types of degrees, and in these three degrees, first is called positive, second is called comparative, third is called superlative. Now let's move to learning something more about these degrees.